स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना सीएफटी सैंड या एग्रीगेट आता है। देख रहे हैं आप, एग्रीगेट अनलोडिंग हो रहा है, तो ये कितना फीट है, इसका मेजरमेंट कैसे निकालें। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप सप्लायर को पेमेंट करें और जब भी अनलोडिंग करें तो ये देख लें कि ट्रॉली पूरा भरा होना चाहिए, फिर इसका मेजरमेंट करें। चलिए इस ट्रॉली को मेजरमेंट करते हैं। देखिए ट्रॉली का पहले लेंथ आप मेजरमेंट कर लीजिए टेप का यूज करके। तो इसका लेंथ है आपका 9 फीट 9 इंच, आप देख लीजिए 9 इंच है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 9 फीट 9 इंच है, इसका लंबाई कितना है 9 फीट 9 इंच। ओके, फिर इसका चौड़ाई मेजरमेंट कीजिए, चौड़ाई आपका कितना है ये ध्यान दीजिए, जिस ट्रॉली से आप गिरा रहे हैं इसका चौड़ाई नापिए। ओके, तो चौड़ाई है आपका 5 फीट, ध्यान से देखिए 5 फीट। ओके, और इंच में आइए, देखिए यहाँ पे 10.5 इंच, 5 फीट 10.5 इंच, ये आपका इसका चौड़ाई हो गया। ओके, अब इसका हाइट, हाइट ध्यान दें, जब ये फुल होता है तभी नापे। देखिए जैसे गिर रहा था तब पूरी तरह से फुल था, तो इसका हाइट है 1 फीट 6 इंच। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए जो मेजरमेंट की है ट्रैक्टर ट्रॉली को, उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कितना फीट इसमें एग्रीगेट आ रहा है। एग्रीगेट हो या सैंड हो या सॉइल हो, सबका मेजरमेंट सेम होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइज का ट्रॉली मिल सकता है, लेकिन मेथड सबका सेम होता है कैलकुलेशन करने का। ओके, देखिए लेंथ आया है आपका 9 फीट 9 इंच, लंबाई आया है 9 फीट 9 इंच। ओके, चौड़ाई आया है 5 फीट 10.5 इंच और इसका हाइट आया है 1 फीट 6 इंच। तो अब इसमें कितना सैंड या एग्रीगेट या आपका सॉइल आएगा, कितना फीट, यही आपको कैलकुलेट करना होता है। चाहे आप ट्रक से गिरवा रहे हैं या हाईवा से, ये भी मैं बताऊंगा, सबका मेथड सेम होता है। ध्यान से आप वीडियो लास्ट तक देखें। ओके, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। देखिए ये क्या है कि फीट में है और इंच में है, तो किसी एक यूनिट में या तो इंच में चेंज कर लीजिए या तो फीट में चेंज कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, बड़ा यूनिट जो है फीट है तो फीट में आप चेंज कर लीजिए। ओके, तो देखिए 1 फीट बराबर होता है 12 इंच। ओके, इसको कैसे मल्टीप्लाई, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यही होता है। तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा, इसमें कितना एग्रीगेट आया, सैंड आएगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, अगर ये 6 इंच है, 1 फीट 6 इंच, तो इसको कैसे गुना कर, तो इसको इंच को 6 इंच को फीट में बदल लीजिए, 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 0.5 आ गया। उसी तरह 10.5 इंच है, तो 10.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो ये 0.875 फीट आ गया। ओके, 9 इंच है, यहां पे ध्यान दीजिए, तो 9 डिवाइडेड बाय 12, इसी तरह पूरा आप चेंज कर सकते हैं, पहले एक यूनिट में ला लीजिए। ओके, तो 0.75। अब क्या करेंगे, लेंथ कितना है आपका 9.75, देखिए 9 फीट है, अब पॉइंट ये आपका 75, ये 9 इंच का पॉइंट में हम चेंज कर दिए। और उसी तरह 5 फीट 10.5 इंच, तो 5.875, ये 1.5 फीट है, तो 1.5। ओके, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इसका वॉल्यूम आएगा 85.92 सीएफटी। देखिए ये क्यूबिक फीट है, मान लीजिए कि ये फीट है और ये भी फीट और ये भी फीट। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फीट क्यूब होगा, तो इसको लिखा गया क्यूबिक फीट में। अगर यहीं आप मेजरमेंट क्या किए होते फीट में, मीटर में, सॉरी मीटर में किए होते, तो क्यूबिक मीटर आता है, इसका भी मैं रिलेशन बता दूंगा। ओके, ध्यान दीजिए कि ये आपको कितना है 85.92 सीएफटी, लेकिन अब मैं बता दूं 100%, अगर आप सप्लायर से ये बोलते हैं कि मुझे एक ट्रॉली आप दे दो, तो आपको ट्रॉली के अकॉर्डिंग अगर पैसा लेता है तो प्लीज आप न ले, आप उसे बोलिए कितना फीट, क्या फीट से, क्यूबिक फीट से आपका रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग लीजिए। जो आप साइट पर मेजरमेंट कीजिए, जो अनलोडिंग हो रहा है जैसा कि आपने देखा, तब मेजरमेंट करके उसको पैसा दीजिए, तो वो आपको बोलेगा 100% 100 फीट आता है इसमें, आपसे बोलेगा क्यूबिक फीट नहीं बोलेगा, 100 फीट आता है, तो 100 फीट है, लेकिन आप कैलकुलेट किए तो कितना आया 85.92। मान लीजिए आपने 50 रुपए सीएफटी लिया, ओके, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए, आपका अमाउंट आ जाएगा। या तो ट्रॉली से लेंगे तो ट्रॉली कम आएगा, तो आपका लॉस है, ऐसे तो मेजरमेंट आप कर सकते हैं।
ओके चलिए, अगर मीटर क्यूबिक मीटर की मैं बात कर लूं क्या होता है, एक मीटर बराबर होता है 3.281 फीट होता है, यहां से समझ लीजिए, एक मीटर बराबर होता है 3.281 फीट होता है। अगर इसको मीटर से तीन बार गुना करेंगे तो क्या होगा आपका, मीटर क्यूब होगा, तो इसको भी तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.319 आएगा। ओके, तो एक मीटर क्यूब यानी कि इसी को बोलते हैं क्यूबिक मीटर, है ना, तो एक क्यूबिक मीटर बराबर होता है 3.319 CFT क्यूबिक फीट होता है। तो इसको अगर क्यूबिक फीट में बदलना है तो डिवाइड कर दीजिए तो 2.43 क्यूबिक मीटर आएगा। ओके चलिए, अगर हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप ट्रैक्टर से मंगाए, अगर ट्रक से मंगाते, हाइवा से मंगाते तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, देखिए सबका सेम आपको मेजरमेंट करना होगा, लंबाई चौड़ाई और हाइट, ट्रक से भी मंगाए या किसी से भी मंगाए, लेकिन उसका शेप थोड़ा डिफरेंट आता है, मैं आपको बता दूं। देखिए एक शेप आता है, अगर हाइवा का मंगाते हैं तो ये आपका यहां भी टेपर आता है, दोनों सेम टेपर आता है, तो आपको क्या करना है, लंबाई को मेजर करना है, हाइट को मेजर करना है और इसका चौड़ाई भी मेजर करना है, एल इंटू बी इंटू एच कर लीजिएगा अगर दोनों तरह से सेम टेपर है तो। ओके, ट्रक तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बॉडी जैसा आता है, उसमें टेंशन नहीं है ट्रक का, लेकिन हाइवा डिफरेंट डिफरेंट शेप का आता है। देखिए एक हाइवा इस तरह आता है कि पीछे वाला जो आगे वाला जो पोर्शन होता है ना, ये फ्लैट होता है यानी स्ट्रेट होता है, और लेकिन यहाँ पर टेपर रहता है। अब इसमें क्या कीजिएगा, देखिए या तो आप मिडिल में इसका लेंथ मेजर कर लीजिएगा, लेकिन मैं एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, बॉटम में लेंथ मेजर कीजिए आप, मिडिल में और टॉप में। ओके, और ये तीनों का एवरेज निकाल लीजिए, ये मान लीजिए 15 आया, ये मान लीजिए थोड़ा सा कम आएगा, तो ये मान लीजिए 13 आया, ये 12 आया, तो ये कीजिए 15 प्लस में 13 प्लस में 12 और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, एवरेज निकालेंगे 3, जो भी आएगा वो लेंथ मानिए और फिर आपका चौड़ाई नाप लीजिए, हाइट नाप लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैं बताया। एक आता है आपका इस तरह के आता है हाइवा मार्केट में, कि देखिए दोनों तरह ये भी टेपर रहेगा, इधर भी टेपर रहेगा, तो आपको क्या करना है, फिर वही तीन ऐसा मेजरमेंट कीजिए और आपको कर लीजिए। फिर एक आता है कि आगे से टेपर रहता है और पीछे से फ्लैट रहता है, तो सेम आपका इसी तरह करना होता है, ठीक है, आप सीख जाएंगे कैलकुलेट कर। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि कैसे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, कितना सेफ्टी आता है। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि जैसे ही आप सिविल साइट नॉलेज से वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, यूट्यूब जब भी खोलेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि सिविल साइट नॉलेज से वीडियो अपलोड हुआ है। फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिनको जरूरत है उन तक पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।